हाय एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे तो आपने पहली वीडियो में देखा है इससे पहली वीडियो में ये उसी का सेकंड पार्ट है और मैं यहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ हरिद्वार मतलब हम दोनों जा रहे हैं हरिद्वार बच्चे नहीं हैं हरिद्वार मतलब हर की पौड़ी थोड़ा सा महाकुंभ का नज़ारा देखने जा रही हूँ उस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है तो मैं आई नहीं थी घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखिए आप लोग भी बहुत कुछ चेंज हो हो चुका है कुंभ की वजह से सारे जो है बस स्टॉप रेलवे स्टॉप सब कुछ चेंज हो चुके हैं नई नई जगह बने हुए हैं पेंट वगैरह इतना अच्छा हुआ है सारी जगह पर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवारों पे धार्मिक धार्मिक बहुत ही अच्छा सजावट जो है हुई है महाकुंभ की वजह से बहुत ही मन लग रहा था जाते हुए देखिए मतलब बहुत ही खुशी मिल रही थी मुझे तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हरिद्वार का व्यू आजकल कैसा हो रहा है तो देखिए ये उत्तराखंड रेलवे स्टेशन है बहुत ही बड़े बड़े से गेट हैं और इन पे भी पेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेश फ्रेश सा भीड़ भाड़ तो होती है लेकिन आज कोई शाही स्नान या फिर झांकी वगैरह का कुछ भी नहीं था तो इतनी भीड़ नहीं थी और आगे चल के देखिए आप कितनी भीड़ मिलने वाली है तो बस अब हम लगभग हरिद्वार के मेन मार्केट में पहुंचने वाले हैं तो वहाँ से जो है भीड़ शुरू हो जाएगी और गर्म दिन है काफ़ी धूप अच्छी खासी हो रखी है और भीड़ है तो इसलिए बाइक से ही हम आए थे पता था कि आगे बहुत भीड़ मिलने वाली है हरिद्वार की जो मेन मार्केट है काफ़ी छोटी चुट छोटी गलियां हैं और काफ़ी सा सजावट जैसे हमारे पूजा वगैरह से रिलेटेड सामान हैं तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं दुकानें वगैरह महाकुंभ की वजह से वैसे तो हरिद्वार में नॉर्मल हमेशा बारह महीनों रहता है मार्केट सजा हुआ इसी तरह से लेकिन अब थोड़ा सा तो ज़्यादा हो जाता है और लोगों की भीड़ भाड़ भी काफ़ी होती है और स्नान वगैरह आज हम नहीं करेंगे हम ऐसे ही आए हैं सिर्फ देखने के लिए तो वो फिर किसी दिन बच्चों के साथ आएंगे और देखिए कावड़िए चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कावड़िए नहीं चलते हैं शिवरात्रि लेकिन जो श्रावण वाली होती है तो वहाँ उस टाइम तो बहुत ही भीड़ होती है कावड़िए इतने सजे हुए होते हैं चल रहे हैं अब भी लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं कावड़ चल रही हैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आते रहते हैं काँवड़ ये दिखते रहते हैं और अब हम हर की पौड़ी आ चुके हैं और यहाँ पे जो मोरपंख हैं उनके बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइन लेके ये घूम रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे तो बस इनके मैं रेट वेट पूछ रही थी अच्छे लग रहे थे कि चलिए मैं ले लेती हूँ एक दो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन थे तो यहाँ पे मैं वही बात कर रही थी इनसे और फिर मैंने लिए भी दो लिए हैं मैंने तो देखिए इतना चलने के बाद धूप में हम हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए फीड सब लोग सेल्फी ले रहे हैं फ़ोटो निकलवा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो निकालने वाले थे और देखिए जो गंगा मैया का जल है तो वो काफ़ी कम है इतना ज़्यादा नहीं है ऊपर तक तो काफ़ी अंदर तक लोग जा रहे हैं नहा रहे हैं और साफ सुथरा जल है वैसे तो महाकुंभ हो या अर्धकुंभ हो तो थोड़ा सा देखिए इतनी इतने लोग होते हैं तो थोड़ी सी हो जाती है इस तरह की लेकिन अभी तक इतना है नहीं तो अब जैसे ही शाही स्नान शुरू होंगे महाशिवरात्रि पे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन अभी सब साफ सुथरा अच्छा है साफ सफाई है और गंगा का जल भी बहुत ही साफ है देख सकते हैं आप और आज देखिए आज कोई शाही स्नान नहीं है लेकिन फिर भी, भी भीड़ देख सकते हैं आप अगर हम यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन आते तो शायद इतना भी अच्छे से नहीं दिख पाता बहुत ही उस दिन तो बस ऐसा होगा कि लोग ही लोग नज़र आएंगे मतलब सर ही सर नज़र आएंगे बाकी और कुछ भी नहीं दिख पाएगा इतनी भीड़ यहाँ पे होने वाली है तो आज तो हम बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छे से व्यू दे रही हूँ तो आप लोग भी जो है महाकुंभ में गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए हर की पौड़ी के दर्शन कर लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे यहाँ पे बच्चे याद आ रहे थे कि बच्चे घर पर ही छोड़ दिए और हम यहाँ पर आ गए हैं माँ देखिए माँ का नमन ऐसा ही होता है बच्चे बड़े हैं लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि काश बच्चे भी आते तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि चलिए अगली बार जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो बच्चे और हम सब साथ में नहाने के लिए ही आएंगे क्योंकि अभी तक हम कुंभ में नहाए वगैरह भी नहीं है तो ये भी नहीं हुआ हमारा तो वो पता नहीं कब प्रोग्राम बनेगा शायद अब होली के बाद ही बनेगा क्योंकि अभी तो कुंभ काफ़ी टाइम तक है और अनाउंसमेंट अच्छी खासी हो रही थी बार बार कि मास्क लगाइए मास्क लगाइए लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए हैं और पुलिस वगैरह सब काफ़ी है लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी को तो इसलिए डर लगता है लेकिन दूर दूर से लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं सभी लेकिन ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए मास्क वगैरह लगाना चाहिए अच्छा है अपनी सेफ्टी है और ये देखिए ये मोर पंख लिए थे मैंने तो अच्छा लग रहा था लेकिन धूप बहुत तेज़ थी कैसा लगा आपको गंगा जी का व्यू हर की पौड़ी का व्यू महाकुंभ का तो बताइएगा ज़रूर और आने के बाद फिर मैं आपसे मिली नहीं हूँ हम करीब तीन बजे आ गए थे और अब सीधा मिल रही हूँ रात के खाने में तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मशरूम मटर की सब्ज़ी और थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ खाली नहीं बनाऊँगी मशरूम इसमें मैं थोड़ा सा आज पनीर भी ऐड करने वाली हूँ तो अभी सब कुछ फ्रेश आया है जैसे कि मैंने सुबह आपसे बोला था पहली वीडियो में कि इस घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो प्याज से लेकर और सब्जी सब कुछ अभी फ्रेश प्रेस आया है तो अच्छे से मैंने मशरूम को गर्म पानी में वॉश कर लिया है अच्छे से और यहाँ पे इसी भगोने में मैंने काट लिया है इसी भगोने में मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं इसको इंडक्शन पे रखने वाली हूँ बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मटर मशरूम दोनों साथ में ही बॉयल हो जाएंगे तो काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि आज गई है स्टॉक की वीडियो संडे के दिन थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ बीच में किसी की कॉल आ जाती है तो वो भी लेनी पड़ती है तो बस उस सब में लगी हुई थी लेट हो गया है कढ़ाई चढ़ाई है सरसों का तेल डाल लिया है गरम होने के बाद उसमें डाल दिया है मैंने एक तेज पत्ता एक बड़ी इलायची एक चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग तो जैसे मैं यहाँ पे तड़का बनाऊँगी मतलब मसाला तैयार करूंगी जब तक हमारा मशरूम और मटर दोनों बॉयल हो जाएंगे और जीरा थोड़ा सा हुआ तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज का पेस्ट दो प्याज़ ली थी जिनका पेस्ट बना लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अलग से डालने वाली हूँ नहीं तो लहसुन भी साथ में ही पीस लेती हूँ अगर मैं फ्रेश पीसती हूँ लेकिन आज मैं पेस्ट डालने वाली हूँ तो वो बाद में और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है तो देखिए यहाँ पे एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट तो अब इसको भून लेना है और पिसी हुई प्याज होती है ना हमारी तो पेस्ट होता है तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने चढ़ाया था और हमेशा ज़्यादातर सब्ज़ी मैं सरसों के तेल से ही बनाती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल नहीं बनाती मतलब तड़का नहीं लगाती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल का तो यहाँ पे मसाला हमारा भुनने ही वाला है और इसको चलाते हुए भूनना होता है क्योंकि फिर डर रहता है कि कहीं नीचे से जल ना जाए क्योंकि पेस्ट है तो इस वजह से तो कलर चेंज हो चुका है अच्छी सी खुशबू आने लगी है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूखे मसाले एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच से भी कम डाली है मैंने हल्दी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी फिर इसमें डाल देना है टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट देखिए तीन टमाटर लिए थे और दो हरी मिर्च ली थी जिनका पेस्ट बना लिया है और टमाटर मेरे बड़े साइज़ के थे छोटे हों तो आप चार डाल लें मतलब अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालना है क्योंकि मेरी सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है और आज मैं यहाँ पे मटर मशरूम थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर बच गया था तो उसमें मैंने दो बूंद पानी डाल के वो भी मैंने साथ में ही डाल दिया है और अच्छे से कर दिया इसको मिक्स अब डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से तो देखिए मसाले का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है देखने में ऐसा हो रहा है कि बहुत ही टेस्टी कुछ बनने वाला है और इसको कवर करके पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है देखिए मसाला कितना अच्छा बुन के तैयार हो गया है तेल सेपरेट हो गया है अब इसको अच्छे से मैंने कर लिया है एक बार मिक्स चला लिया है मतलब और अब थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है इसी टाइम पे इस तरह की ग्रेवी में पहले भी डाल देती हूँ पकने से और बाद में भी लेकिन लास्ट में नहीं डालती बिल्कुल तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जो हमारी ये ग्रेवी या मसाला बन के तैयार हुआ है ना इसमें आप पनीर बना सकते हैं कोफ्ते बना सकते हैं कुछ भी मतलब इतनी अच्छी सी ये हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है ऐसा नहीं है कि ये मटर मशरूम के लिए ही है तो इसके साथ बहुत सारी सब्जियां बन सकती हैं और मटर मशरूम देखिए कितने सृंक हो गए हैं छोटे छोटे हो गए हैं मतलब मशरूम और मटर भी काफ़ी कुछ पक चुके हैं ये तो नहीं कि पूरा कुक हो गए हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा गल गए हैं सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद मशरूम की सब्ज़ी में पानी ज़्यादा नहीं डलता है क्योंकि वो काफ़ी सिरिंक हो जाती है हालांकि जितनी होनी थी हो चुकी लेकिन पानी भी अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी और ये पनीर मैंने फ्रेश लिया है डेरी का ये भी अभी ये लेके आए हैं तो मुझे आज पनीर के साथ मशरूम बनाना था तो अभी फ्रेश है डेरी का है बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा पनीर है तो इसको मैं बाद में डालूंगी जब तक एक बॉयल आ जाएगा तब तक मैं ये काट लूँगी यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है मेरा सारी जो है तैयारी पहले कई बार कर भी लेती हूँ कई बार नहीं हो पाती तो साथ साथ करनी पड़ती है क्योंकि लगे मुझे ना ऐसा लगता रहता है कि पापा वेट कर रहे हैं खाने का कहीं पापा जाते नहीं हैं घर पर रहते हैं तो बस मन में ना बड़ी घबराहट सी रहती है कि पापा क्या बोल लेंगे पापा क्या बोल लेंगे तो बस वही सोच के मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी यहाँ पे तो पनीर ऐड कर दिया है और बस एक बॉयल आना है तो सब्ज़ी हमारी पन के हो जाएगी तैयार और देखिए थोड़ी देर बाद देखिए जब तक मैंने अपना आटा वाटा लगा लिया है और यहाँ पे ऐड की है एक चम्मच कसूरी मेथी इससे जो इस सब्जी का फ्लेवर है बहुत ही उभर के आएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा और जो पानी था ना बॉईल वाला मैंने वो निकाल दिया था उसका पानी जो उसमें मशरूम का एक कसैलापन होता है तो वो निकल गया था मटर का भी निकल गया था क्योंकि श्रे को ना मटर का वो वाला फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर इस तरह से मैं बॉईल करके बनाती हूँ तो फिर अच्छा बनता है फ्लेवर आता नहीं है इतना मटर का तो उसको श्रे खा लेता है और देखिए टेक्सचर देखिए सब्जी का कितनी टेस्टी लग रही है बिल्कुल हलवाई से कम नहीं है सच में इतनी टेस्टी वाली ग्रेवी बनी थी कि बस पूछिए मत और देखिए काफ़ी थिक हो गई थी सब्जी यहाँ पे प्लेट हमारी लग चुकी है बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी सच में एक बार बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा तो आज मैंने ये प्याज बना ली है इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च तो ये बहुत टेस्टी लगती है नींबू वाली प्याज सर्दी में नींबू नहीं खाते थे तो सर्दी में मैं इसको नहीं बनाती थी अब नींबू खाने शुरू हो जाएंगे गर्मी आ गई है तो अब ये प्याज चलने वाली है बहुत टेस्टी लगती है और बताइएगा ज़रूर आज की थाली कैसी बनी है बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब हैप्पी वुमन्स डे आज है वुमन्स डे और मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ कल संडे के दिन मैं आपसे फिर नहीं मिली थी आने के बाद खाना वाना बनाया फिर लेट हो गया मतलब पहले आए और फिर बीच में मैं लग गई थी थोड़े से काम में आ तो हम करीब तीन बजे गए थे फिर थोड़ा सा काम था क्योंकि स्टॉक का वीडियो जाता है संडे में तो पिक वगैर भेजनी होती है बस थोड़ा सा आप समझ सकते हैं तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी और फिर रात का खाना बनाना था तो खाना वाना बनाया और फिर थोड़ा सा जल्दी सोने की तैयारी थी क्योंकि इनको जाना था सुबह जल्दी उठ के बाहर तो ये आउट ऑफ स्टेशन गए हैं आज मीटिंग के लिए आजकल कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था शायद कि इनका जो है वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है आजकल तो बस इनको जाना था तो इसलिए फिर रात को जो है बातचीत आपसे नहीं की और वीडियो का एन भी नहीं किया था तो सुबह ये करीब साढ़े चार पौने पाँच पे निकल गए थे तो इसलिए जल्दी उठना था तो बस वही सब इनको उठना पड़ता है जल्दी क्योंकि फिर तैयार होते हैं टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत चाय नाश्ता भी होता है तो उस वजह से और इनको भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ा सा फिर मैं लेट उठी हूँ और जैसे ही रात में लेटे तो फिर रात को करीब एक डेढ़ बजे थोड़ा सा तूफ़ान दो चार बूंदे तो मतलब धूल मिट्टी सारा ये भी काम बढ़ गया था तो फिर सुबह उठ के सारा ये काम किया और सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो आज मंडे है और आज है वुमेंस डे तो वंस अगेन हैप्पी वुमन्स डे आज मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है मतलब ना ही करने वाली हूँ बस इसी का एंड करूँगी आज मन भी नहीं है और कुछ ऐसा बनेगा भी नहीं कम वग़ैरह मैंने अपना सारा कंप्लीट कर लिया है और अब आपसे मिली हूँ तो बस बताइएगा Uh, कैसा लगा आपको थोड़ा सा मैंने कोशिश की आपको महाकुंभ का दिखाने का कि कैसा चल रहा है और कल तो खैर हम जो है चले गए भी देख भी लिया अच्छे से अगर हम किसी शाही स्नान वगैरह पे जाते जैसे कि शिवरात्रि पे महाशिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है दूर दूर से लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से और हम यहाँ रहते हुए भी अभी तक तो नहीं नहाए हैं जाएंगे नहाने के लिए फिर किसी दिन जाएंगे हमारा तो पास का ही है तो अभी तो चलने वाला है महाकुंभ काफ़ी टाइम है अभी तो जाएंगे अभी तो कोई रिलेटिव भी नहीं आया है तो बोल बोलूँगी कि आओ भाई महाकुंभ है तो स्नान वगैरह करो दूर दूर से लोग आ रहे हैं लेकिन हमारा कोई नहीं क्योंकि मम्मी की चल रही है तबीयत ख़राब तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी बोल लूँगी तो और आप लोगों को बोल दूँ कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे महाकुंभ में कोई आएगा तो मुझसे मिले बगैर बिल्कुल मत जाना तो मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा या फिर मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी ठीक है और जल्दी जल्दी आइए सब लोग आइए बहुत अच्छा जो है मन लग रहा है हरिद्वार में आजकल बहुत ज़्यादा देखिए भीड़ भाड़ तो है ऐसी जगह भीड़ भाड़ तो होती है और झांकियाँ वगैरह निकलती हैं जैसे कि मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो डाल ली है होती मतलब अच्छी अच्छी झाँकियाँ निकलती हैं झाँकियाँ आज मंडे को निकली होगी लेकिन आज घर पे ये है नहीं और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह ना बच्चों को भी नहीं मैं भेजती हूँ तो ऐसा ही एक बार देख लिया ऐसा ही बार बार देख लिया और वीडियो वगैरह इतनी आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा घर पर सब देखना हो रहा है बहुत भीड़ रहती है जैसे ही झाँकियाँ निकलती हैं पर झांकियाँ बहुत सुंदर सुंदर निकल रही हैं तो आज निकलनी थी तो बताइएगा कब आ रहे हो आप लोग कौन आ रहा है <laughs> कुंभ में स्नान करने के लिए महाकुंभ में क्योंकि महाकुंभ दस ग्यारह साल बाद आता है बीच में इससे पहले आया अर्ध कुंभ और इसके बाद फिर अर्ध कुंभ आएगा तो बीच में अर्ध कुंभ आता है और उसके बाद फिर महाकुंभ आता है तो आज आज बोल रही हूँ तो अब महाकुंभ चल रहा है और मैं इनसे बोल रही थी कि बिट्टू को बोल लूँगी अपने भाई को तो सबको जो है एक बार स्नान करा ले जाएगा मम्मी है दादी है मेरी माँ और पापा तो ये भी बोल लेते कि सबको ले आएगा एक ही दिन भले ही ना रुके कम से कम देखिए सारे तो नहीं रुक पाएंगे मुश्किल हो जाएगा लेकिन जैसा भी होगा एक बार बोलूँगी उनको होली के बाद तब तक तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी क्योंकि अब शाही स्नान आ रहा है महाशिवरात्रि का और होली तक अब ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है शुरू शुरू में क्योंकि अब लोग काफ़ी आ रहे हैं अब आप लगा लीजिए एकादशी से कल है ट्यूसडे एकादशी है तो आज से ही लगा लीजिए बल्कि आज से बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी हरिद्वार में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से जाम है और अगर जाएंगे भी तो वाहन वगैरह बिल्कुल नहीं जाने देते पैदल चलो पूरा हरिद्वार हर की पौड़ी तक हे भगवान बहुत मुश्किल है तो चलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड बस क्योंकि क्यों ज़्यादा क्यों क्यों खींचना बातों बातों में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो बड़ी हो जाती है कोशिश करती हूँ छोटी करने की लेकिन फिर बड़ी हो जाती है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर, कर दीजिएगा लाइक आप बहुत कम करते हो सच में बहुत कम लाइक करते हो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डिसलाइक करते हो ना ही डिसलाइक करते हो ना ही लाइक करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो इतने जो है बिल्कुल मेरे तो रुक गए हैं सब्सक्राइब बिल्कुल जितने थे उतने के उतने ही कुछ नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक तो जरूर किया करो और कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं प्यारे प्यारे कमेंट किया करो अच्छा लगता है और अब मिलूँगी कल आपसे एक अच्छी सी नई सी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग